अर्चना कहाँ हो यार? परसों से मैं फोन कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रही। अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था मंदिर के पास, और अब क्या कर रही है यहाँ पे? ओहो, आज इसके साथ? क्या साहब, क्या रापचिक माल आपके हाथ लगा? मान गए आपके पति अपने आई बाबा के साथ यहाँ रहती है, थोड़ी अनपढ़ है। अनपढ़ है तो शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही तो जैसे तैसे करके अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करिए साहब। जहाँ तक मैंने अर्चना को जाना है, समझा है, वो ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन आंखों की देखी बातों को छुटलाया भी तो नहीं जा सकता। क्या करो, दिल की सुनो या दिमाग की? हेलो जी, जरा सामने वाले घर से अर्चना को बुला देंगे प्लीज? एक मिनट होल्ड कीजिए। मनोहर भाऊ, फोन आ है अर्चना के लिए। आया। रुकिए, मैं जाती हूँ। अरे छाता तो लेती जा। नहीं, ठीक है, चुलोच ना। अरे भीग जाओगी। सावकास। अरे भाऊ भीजता कैसा रहा? वरिया। हेलो आई, नमस्ते, सतीश बोलते हैं। हाँ हेलो सतीश बेटा, बोलो। वो थोड़ा अर्चना से बात करनी थी मुझे। अर्चना जरा किसी काम से बाहर गई है। कुछ अर्जेंट काम था क्या? हाँ नहीं आई, ऐसा कुछ खास नहीं। जैसे ही वो आएगी तो कहिएगा कि मुझे फोन कर ले। हाँ जरूर। शाम के 7 बजे, अब तक घर नहीं आई है वो। कहाँ रह गई ये लड़की, कहीं इतनी बारिश में? जी क्या मुसीबत है, फोन भी नहीं लगा। ये बारिश की वजह से ना। छोटू, मैं ये कार लेके निकलता हूँ। लेकिन दादा ये कार तो, अरे बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो कार के मालिक ने कहा है घर पे कार पहुँचाने को, 300 रुपए ज्यादा भी देगा। तो मैं ये कार लेके निकलता हूँ, तू गैरेज बंद कर दे। भैया सुनिए, इसके सामने मुझे जाना नहीं है और इसे इस हालत में छोड़कर मैं जा नहीं सकता। क्या करूं, कैसे मदद करूं इसकी? सुनिए भाई साहब, ये वो आपका छाता जी।
आपका छाता वो मुझे आपने दिया था कॉफी शॉप में, बारिश हो रही थी तभी। सुनिए आप इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। अरे ये तो अर्चना है, इस वक्त यहाँ और ये किससे बात कर रही है? याद आया? जी जी, इतनी बारिश हो रही है, आप बिना छाता घर कैसे जाएंगे? मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, आप ये छाता रख लीजिए। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि आपको ये छाता वापस कैसे करूँ, ना ही मैं आपका नाम पता जानती थी, और वैसे भी फिर हमारी मुलाकात होना हो। जी यहाँ रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है, आप यहाँ रुकिए मैं ढूंढ देता हूँ। क्या वजह हो सकती है? अगो भाई 9:30 वाजले, वैशाली जरा जाकर देखना अर्चना अभी तक कैसे नहीं आई। आई आ जाएगी वो। अरे कब आएगी? हाँ आ गई, देखो। हे भगवान क्या है ये सब? हाँ कहाँ थी इतनी बारिश में? मैं तो चिंता कर करके थक गई। अरे आई, वो मैं तेरा ब्लाउज लेने गई थी टेलर के पास, और वहां से निकली तो याद है तेरा इनहेलर खत्म हो गया, इसलिए वहां चली गई। उसके बाद ये बारिश और ये रिक्शा की प्रॉब्लम। कितना ठीक रही है लड़की। आई तो क्या कर रही है, ये तेरी दवाइयां। अरे जरूरत क्या थी आज ही दवाई लाने की? हाँ आई। अरे आई नहीं, तू चुप है। हाँ छाता लेकर क्यों नहीं गई? आई छाता लेकर गई थी, लेकिन छाते का असली मालिक मिल गया। वो याद है तुझे, मैंने तुझे बताया था कॉफी शॉप के बाहर एक लड़का। हाँ तो बस मैंने छाता उसे वापस कर दिया, उसी ने मुझे रिक्शा करवा के दी, वरना मैं लेट हो जाती। वो लड़का अच्छा था आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसी बारिश में मत भीगना, शादी के समय बीमार पड़ोगी क्या? नहीं आई। अरे हाँ वैशाली, जरा विनोद का मोबाइल लेकर आना जल्दी से, सतीश का फोन आया था, उसने तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। ले मेरे हाथ से मोबाइल ले, एक तो सब लगा हुआ। हाँ ये ले, जल्दी से उसे फोन कर। अरे लगा ना फोन, करना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए अदरक की गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अरे आई सुन तो, ऐसी कोई बात नहीं करनी मुझे। क्यों? करना। हेलो, आई ने बताया आपने फोन किया था। हाँ वो तुम घर पर थी नहीं? वो कुछ काम से बाहर गई थी। आपको कुछ काम था? नहीं क्यों, बिना किसी काम के वो नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मिलना था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। कल? नहीं कल नहीं। क्यों? कल मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे तो मंदिर परसों चली जाना। जी कल संकष्टी है, और मैं हमेशा संकष्टी पर अष्टविनायक मंदिर जाती हूँ, और शाम की महाआरती के लिए मुझे जल्दी निकलना होगा। फिर एक काम करते हैं, हम परसों मिल सकते हैं।
ठीक है, गुड नाइट। जी थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, इजीली अवेलेबल नहीं होती। क्या कि रोज रोज धंधा नहीं करते, संडे टू संडे धंधा करते, कहना कि मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर निकलते।